माई डियर स्टूडेंट हम कॉम्प्रीहेंशन करें चैप्टर नंबर फोर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आज हम उसमें करेंगे एडजेक्टिव एडजेक्टिव आप पहले भी कर चुके हैं दे आर कार्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स ये नाउन की खूबियों के बारे में हमें बताते हैं एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है जैसे हैप्पी डॉग तो हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है क्योंकि डॉग की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है टायर्ड बॉय थका हुआ लड़का बॉय के बारे में बता रहा है और सेवन गर्ल्स नंबर के बारे में बता रहा है तो एन एडजेक्टिव आंसर वट काइंड किस तरह का विच वन कौन सा और हाउ मैनी कितने देर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव को टू टाइप्स में दो किस्में होती हैं एक को रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं और एक को इेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं रेगुलर टि ad जो हैं उनको फर्दर डिवाइड करते हैं शॉर्ट एड एडजेक्टिव और लॉन्ग एडजेक्टिव शॉर्ट एडजेक्टिव जो शॉर्ट एडजेक्टिव होते हैं उनमें एक ही सिलेबल होता है और जो लॉन्ग एडजेक्टिव होते हैं दे कंटेन टू और मोर सिलेबल्स अब हम देखते हैं कि सिलेबल किसको कहते हैं ये आपकी रिविजन हो रही है आप पहले पढ़ रहे हैं अ सिलेबल इज द साउंड ऑफ अ वावल ए आई ओ यू दैट इज क्रिएटेड वेन प्रोनाउंसिंग द साउंड ऑफ अ वॉवल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेबल्स दर्ड है इसको आसान लफ्सों में आप समझें कि एक इंग्लिश के वर्ड के हिस्से होते हैं और जितनी दफ़ा आप उन हिस्सों की आवाज़ सुनेंगे वावल्स के अकॉर्डिंगली उतने उसके सिलेबल्स होंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे बिग है तो बिग में ओनली वन वावल साउंड तो इसको हम वन सिलेबल बोलते हैं इसमें बिग आई की साउंड है नेक्स्ट है फास्ट इसमें भी वन वावल साउंड है अ uh, हैप्पी आप देखें कि हैप्पी में टू सिलेबल्स हैं जहां पे एरो लगा हुआ है एक अ की और एक आई की हैप्पी इसी तरह मॉडर्न मॉडर्न में भी टू सिलेबल्स हैं मॉडर्न O और ई e. फिर है इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इसमें थ्री सिलेबल हैं थ्री वॉवल साउंड हैं और फिर है हॉरीबल इसमें भी थ्री सिलेबल है ओ हॉरीबल ठीक है अब हम देखते हैं कि वन सिलेबल्स वन सिलेबल एब्जेक्टिव को कैसे उनकी डिग्रीज बनाते हैं देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन इन इंग्लिश पॉजिटिव डिग्री इसको मुस्बत डिग्री कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री तकाबली डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आला दर्जे की डिग्री पॉजिटिव डिग्री वी यूज पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन आर थिंग जब हम एक चीज या एक बंदे के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं जैसे अली इज टॉल हम अली की खसूसियत बयान कर रहे हैं कि अली लंबा है द हाउस इज़ बिग ये घर बड़ा है दिस फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल ये फूल बहुत खूबसूरत है हमने सिर्फ एक खूबी बयान की तो इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं अब देखें कंपेरेटिव डिग्री वी यूज़ द कम्पेरेटिव डिग्री वैन वी कंपेयर टू परसन आर टू थिंग्स विद ईच अदर जब हम दो चीज़ों का मुजना करते हैं या तकबला Uh, करते हैं तकबल तो करते हैं तो हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं मसलन दिस हाउस इज बिगर दैन दैट वन दिस हाउस इज बिगर दैन दैट वन हमने टू हाउसेस का कंपेरिजन किया मुकाबला किया मुजना किया तो इसमें हम बिग big से बिगर हो जाएगा ई आर एड हो गया सुपरलेटिव डिग्री वई यूज द सुपरलेटिव डिग्री वैन वी कंपेयर मोर देन टू परसनज आर थिंग्स विद वन एंड अदर जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कम्पेयर करते हैं तो उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं सबसे अली दर्जे की डिग्री इट इज़ द हाइस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी जैसे अली इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द्लास अली सबसे स्मार्ट लड़का है क्लास में तो पूरी क्लास में से हमने सबसे स्मार्ट जो रैंक है वो अली को दिया तो ये स्मार्टस्ट और आप देखें कि इससे पहले द भी आ जाएगा खास एक अली में ये क्वालिटी है तो इसको सुपर रिलेटिव डिग्री कहते हैं अब आप देखें आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं दिस स्टोन इज हैवी एक स्टोन के एक पत्थर के बारे में बात हो रही है गोल्ड इज हैवियर देन सिल्वर तो इसमें दो चीजों का मुकाबला किया जा रहा है जो तराजू है बैलेंस है उसमें गोल्ड का पलड़ा भारी है तो गोल्ड इज देन सिल्वर हमने दो चीजों का मुवजना किया तो ये आ जाएगी कंपेरेटिव डिग्री फिर हम कहते हैं कि ग्रे बॉक्स इज द हैवीस्ट ऑफ द थ्री ये तीन बॉक्स हैं इनमें सबसे हैवी जो है वो ग्रे बॉक्स है तो हमने इसमें सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की आप देखें कि पॉजिटिव में हैवी था वर्ड और कंपेरेटिव में क्योंकि एंड पे y आ रहा है तो हमने y को हटा के आई ई आर लगा दिया है ठीक है और सुपरलेटिव में हमने ई e, आर की बजाय ई एस टी लगा दिया है इसी तरह लकी जो है वो लकीयर बन जाएगा वाई को हटा के जब हम कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो स्पेलिंग लकीयर हो जाएंगे और जब हम सुपरलेटिव यूज़ करेंगे तो ई एस टी ई आर की बजाय ई एस टी आ जाएगा luckiest देखते हैं दिस शू इज टू लार्ज फॉर मी ये जूता मेरे लिए बहुत बड़ा है ये इसकी हमने पॉजिटिव डिग्री यूज की है फिर है बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरसेस बैक्टीरिया जो हैं, वो वायरस से बड़े होते हैं हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं हमने लार्ज के साथ आगे आर लगा दिया तो वो लार्जर बन गया अब हम देखेंगे कि द ब्लू वेल इज लार्जेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट लार्जेस्ट लार्ज के आगे हमने एस टी लगा दिया तो लार्जेस्ट हो गया ब्लू वेल जो है वो दुनिया के तमाम जानवरों से बड़ा जानवर है इस तो आप देखें कि ये सारे सारे जानवरों का कंपैरिजन है तो इसलिए हमने लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज की तो लार्ज large से लार्जर बन गया लार्जेस्ट सुपरलेटिव का इसी तरह ओल्ड old से ओल्डर कंपेरेटिव का और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एडजेक्टिव अब आपकी बुक में ये जो है एडजेक्टिव दिए हुए हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा पॉजिटिव डिग्री का है कौन सा कंपेरेटिव डिग्री का और कौन सा सुपरलेटिव डिग्री का अब ये है बिगेस्ट बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा तो आप कि बिगेस्ट का एंड एस्ट पे हो रहा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है ब्लू वेल सबसे बड़ा जानवर है फिर थिन है तो थिन ये है पतला कहते हैं इसको और अभी हमने पढ़ा था कि वो यूज द पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन आर थिंग तो हम थिन अथिन बॉय एक लड़के के बारे में बात करें तो ये पॉजिटिव डिग्री है फिर ये है सॉफ्टर नर्मोमलायम इसका मानी होता है और अगर हम दो रग्स को कम्पेयर करें तो वाइट इज़ सॉफ़्टर देन ब्लू रग तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंपेरेटिव में एंड पे हम ई आर ER या खाली आर लगा देते हैं क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्टर है तो ये कंपेरेटिव डिग्री है दो चीज़ों को हमने कंपेयर किया है ये है डार्क नाइट इज डार्क अंधेरा डार्क को अंधेरा कहते हैं तो ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि हमने सिर्फ डार्क की बात की है एक रात नाइट इज डार्क फिर है बिजीएस्ट बिजीएस्ट सबसे मसरूफ तो हनी बी जो है वो बिजिएस्ट इंसेक्ट है सुपरलेटिव डिग्री में हमने देखा था कि हम एंड पे आई को हटाकर Uh, वाई को हटाकर कर uh, ई एस टी लगा देते हैं आई ई एस टी तो ये सुपरलेटिव डिग्री में तब्दील हो जाता है तो यहाँ पे भी एंड पे एसट है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है पता अच्छा है कि हनी बी जो है उसकी एक कॉलोनी में फिफ्टी uh, थाउजेंड uh, हनी बीज होती हैं और फोर्टीन के जी हनी बनाती हैं और हमारी जो हम फूड खाते हैं उसकी पोलिनेशन जो है वो हनी बी पे डिपेंडेंट है यानी हनी बी मुख्त फलों फूलों से रास चूती है चूसती है तो साथ पोलिनेशन भी करती है अगर हनी भी दुनिया से चली जाएँ तो हम भूखे मर जाए और बहुत ज़्यादा जो है वो सेवेंटी टाइप्स की क्रॉप्स जो हैं उनको हनी भी पोलिनेट करती है और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है तो हनी भी इज़ द बिजिएस्ट इंसेक्ट ऑन अर्थ फिर है स्मॉलर जैसे दो चीज़ों को कंपेयर करें वन इज़ स्मॉलर देन टू तो स्मॉलर को कहते हैं छोटा उर्दू में और ये हमने देखा था कंपेरेटिव में जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो एंड पे ई आर आता है तो स्मॉलर कंपेरेटिव डिग्री होगी फिर है ब्राइटर ब्राइटर कहते हैं रोशन को टुडे इज ब्राइटर देन येस्टरडे हमने दो दिनों का कंपैरिजन किया इसमें भी आप देखें कि जो चीज कंपेरेटिव डिग्री में हमने देखा था कि एंड में ई ER आर आएगा स्मार्ट आप दिमाग जो होता है ना एक्सरसाइज करने से स्मार्ट होता है तो ये भी एक पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि हमने ओनली अबाउट वन थिंग तो आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप स्मार्ट रहें दिमाग भी आपका चले फिर है ग्रेटेस्ट मोहम्मद इज वाज़ द ग्रेटेस्ट मैन इन हिस्ट्री तो ग्रेटेस्ट का मान्य होता है सबसे अजीम प्यारे माय डियर स्टूडेंट्स हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं सच बोलना सफ़ाई रखना बड़ों की इज़्ज़त करना अल्लाह को एक मानना अल्लाह से दुआएं मांगना ये सारी चीज़ें हमारे नबी ने हमें सिखाई हैं जो कि अजीम तरीन ख़ात्मनबीन है और अजीम इंसान है तो वो हमारे लिए नमूना है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना चाहिए तो ये भी एस्ट पे एंड हो रहा है तो ये सुपरलेटिव है लार्जेस्ट और जैसे हमने पहले देखा था ग्रेटेस्ट तो ये सुपरलेटिव डिग्री है फिर है वाइल्ड एनिमल जो जंगल में जानवर होते हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं जंगली और इसमें भी हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल एक चीज़ एनिमल के लिए यूज़ हो रहा है तो अगर हम इनको समझें तो पॉजिटिव में आ जाएगा थिन डार्क स्मार्ट वाइल्ड कंपेरिटिव में स्मॉलर सॉफ्टर और ब्राइटर जैसे ई आर एंड पे हो रहा है और सुपरलेटिव में एंड पे ई एस टी आता है और ये बिगेस्ट बिजीएस्ट और ग्रेटेस्ट उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें